मैं अनिल कुमार, गुड़गांव से, हरियाणा से। नित्यानंदम स्वामी जी, माय नेम इज अनिल कुमार, आई एम फ्रॉम गुड़गांव, हरियाणा। मैंने आपका पहले प्रोग्राम कत्र प्रोग्राम किया था बॉम्बे में, और उसके बाद NDY नित्य ध्यान योगा सितंबर में किया था यहीं पे बिरदी में ही आके। I first did your Kalpataru program earlier and after that I did NDY in September here in Birdi. September में जब आया था तो मुझे इसके बारे में प्रोग्राम के बारे में पता लगा था, आइए इनर अवेकनिंग, जो हमारी अंदर की आत्मा है उसको कैसे जाना जा सकता है। In September I came to know about inner awakening program and I got to know how I can know about my soul. तो मैं अपना अंदर की आत्मा को जानना चाहता था, इसकी मुझे बहुत ज़्यादा मतलब जरूरत थी। I really wanted to know about myself and I really wanted it. आइए करने से मुझे मतलब जो आत्मविश्वास मिला है और जो अपने अंदर की खुशी हुई है उसके बारे में मैं बोल नहीं सकता। I don't have words to describe how much confident I feel after IA and I am so blissful which I never experienced before. मेरे अंदर एक बहुत गहरा डर बैठा हुआ था जिसको मैं निकालना चाहता था, पर मेरे को ये कोई प्लेटफार्म नहीं मिल रहा था कि मैं इसको कैसे निकाल पाऊँ। पर मेरे को यहाँ आके मुझे जब NDY किया था तो मुझे पता लगा कि यहाँ मतलब जो मेरा डर है वो निकल सकता है। He always felt fear of unknown throughout his life and he never knew how he can get rid of it. After NDY which he did in September, he realized that there is a way for him to come out of it. And he feels that he is out of it right now. आइए करने से जो इनर अवेकनिंग का प्रोग्राम है, ये करने से मुझे बड़ी स्पष्टता मिली है, मुझे अपने आप को जानने का मतलब एक बहुत ही अच्छा सिस्टम मिला है जो स्वामी जी ने मुझे दिया है कि हमें आगे क्या करना है और कैसे हमें अपने काम को आगे बढ़ाना है। I have got clarity right now of what I am and how I can take my life forward. यहाँ आने से पहले मैं अपने आप को मतलब ऐसा महसूस करता था कि मेरे लिए लाइफ कुछ नहीं है, मैं हताश हो चुका था लाइफ से, और जब से मैं इनर अवेकनिंग किया है तो मेरे अंदर एक उत्साह पैदा हुआ है कि हाँ लाइफ है कुछ, इसको एंजॉय करना चाहिए। बिफोर कमिंग हियर आई डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन लाइफ, आई वाज सो डिसअपॉइंटेड विद इट, बट आफ्टर कमिंग हियर आई फील एक्साइटेड टू लिव लाइफ नाउ। यहाँ का जो मैंने कल्चर देखा है, जो आश्रम का कल्चर है, होमा का है और योगा का है, खाने का है, और जो यहाँ पे जो गुरुकुल किड्स है, इट्स मतलब बहुत ही अच्छा वो है, सेटिस्फिकेशन है यहाँ पे। वॉट एवर आई हैव एक्सपीरियंस्ड हियर, होमास, पूजास, आश्रम, गुरुकुल एक्सेट्रा, एवरीथिंग, इट फील्स सो इंस्पायरिंग एंड आई फील सो गुड टू एक्सपीरियंस इट। स्वामी जी ने जो शिव होम का प्रोसेस करवाया है उससे मुझे बहुत ही उत्साह और मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी। During SUM process, I felt a lot of energy and a lot of excitement within me. स्वामी जी ने जो मूर्ति बनाने का कारखाना लगाया हुआ है, वो मैं सोच रहा था कि वो इसलिए लगाया हुआ है कि स्वामी जी ये मूर्तियाँ को सेल करते हैं, बट मैं कल जब कारखाने में गया तो मुझे पता लगा कि एक बार मूर्ति सेल्स के लिए नहीं है, ये स्वामी जी अपने मंदिरों के लिए मतलब बनाते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस चीज़ से कि स्वामी जी मतलब पैसे कमाने के वो नहीं है, ये अपना मतलब यूटिलाइज करते हैं, हमें रास्ता देते हैं कि हमें कैसे अपने मतलब या भगवान से कनेक्ट होना चाहिए और हमें कैसे बिलीव करना चाहिए इनके ऊपर। अर्लियर आई यूज्ड टू थिंक दैट स्वामी जी इज इनटू मेकिंग डेटीज बिकॉज ही लाइक इट मस्ट बी फॉर सेलिंग, बट यस्टरडे व्हेन वी वेंट टू सेक्रेड हार्ट्स यूनिवर्सिटी आई गॉट टू नो दैट it is not for selling, it is just to revive Hinduism, Hindu culture, and that is when I really felt really happy Swami ji is doing a great job. मैं स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि स्वामी जी ने हमारे लिए ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है इनर अवेकनिंग, अपनी आत्मा को जानने का, ये बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम है, और मैं इस प्रोग्राम में अपने दो बच्चों को भेजूँगा, जो वाराणसी प्रोग्राम होगा उसमें एक मेरी बेटी आए और एक मेरा दामाद है। I thank you Swamiji that whatever program he has designed, it is amazing, and I will send my daughter and son-in-law for May
वाराणसी इन अवेकनिंग. थैंक यू. थैंक यू.